हमारे पास आफ्टर ये सॉरी 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 अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 23 और आज हम देखेंगे लाइक लास्ट टाइम हमने देखा था पर्सपेक्टिव और आज मैं जरा सा डिफरेंट चीज करना चाह रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिमांड है जिस चीज की, 3D। तो हमारे पास इलस्ट्रेटर में एक इफेक्ट है 3D और 3D के दो तीन ऑप्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को पहले तो जरा हल्का हल्का सा समझाऊंगा एंड देन हम डिटेल में कुछ देखेंगे बना के। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D या 3D में करने के लिए हमें डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा और आप लोगों को इसी तरह से सोचना होगा कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो किस तरह से 3D में दिखेगी। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल लिया है और प्लीज़ ये मेक श्योर कि इसका स्ट्रोक ऑफ कर दें, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा स्क्वायर या रेक्टेंगल है और मैं सिंपली जा रहा हूँ इसको सेलेक्ट रखें एंड इफेक्ट्स पे जाके 3D में जाके एक्सट्रूड एंड बेवल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। बल्कि इससे पहले मैं आप लोगों को रोटेट बताना चाहूँगा। रोटेट क्या करेगा, सिंपल सा ये प्रीव्यू आप पहले तो ऑन कर लें, ये आपको 3D रोटेट करके देगा, नथिंग एल्स। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें कुछ चेंज करें। हाँ अलबत्त यहाँ से आप पर्सपेक्टिव अगर बढ़ाते हैं तो अगर आपने फोटोग्राफी की हो तो वाइड एंगल लेंस वाला जो इफेक्ट एक इफेक्ट आ रहा होता है ये ठीक उसी तरह से आपको रोटेट करके दे रहा है 3D। खैर इतना ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो मैं इसको बस कैंसिल कर रहा हूँ। आइए दूसरा वाला इफेक्ट देखते हैं जो हमारे यहाँ पर लिस्ट में पहला है, एक्सट्रूड एंड बेवल। ये आपको बाकायदा एक्सट्रूड करके देगा, यानी कि इसकी जो जेड एक्सिस की जो डेप्थ है वो बना के देगा। जस्ट इसको प्रीव्यू ऑन करें एंड देखें, ये आपका 3D आपको बॉक्स दिख रहा है एंड यहाँ अगर आप देखें तो इस क्यूब को पकड़ के आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो यहाँ से एंगल्स भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, और ये आपके तीन एंगल्स दिए हुए हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सो आप चाहें तो इनके थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ मैनुअली यूं पकड़ के घुमा फिरा सकते हैं इसको, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखें इस वक्त बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, यहाँ से बड़ा लग रहा है। उसका रीज़न ये कि इस वक्त इस हमने पर्सपेक्टिव 0 डिग्री रखा हुआ है। पर्सपेक्टिव को ज़रा बढ़ा दें ताकि ये एक्चुअल 3D आपको लगने लगे। नाउ जैसे ही आप इसका पर्सपेक्टिव बढ़ाते हैं ये आपको पूरा ओवरऑल डार्क लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि अब इसके ऊपर लाइट ज़रा डिफरेंटली एक्ट कर रही है। यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ से मोर ऑप्शंस ऑन कर लें। ये है आपका एक स्फेयर जो आपको दिख रहा है, ये आपकी लाइट है। अब आप लाइट को कहाँ रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे इस जगह पर देना चाह रहा था तो मैंने यहाँ ला के रख दी। अगर मैं लाइट को यहाँ रखना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ आ जाएगी एंड सिमिलरली अगर मैं ऊपर रखना चाह रहा हूँ तो ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हाँ अगर अब आप इसमें मजीद लाइट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से न्यू लाइट कर लें एंड देन फिर यहाँ से आप बता दें। आप ये भी कर सकते हो कि लाइट को प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज करके एडजस्ट कर सकते हो या आप लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से कम कर सकते हो। सो मिसाल के तौर पे मैंने ये लाइट सेलेक्ट की हुई है तो मैं इसकी ओपेसिटी आई मीन जो इंटेंसिटी है वो कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3D, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बता दूं कि अब इसमें मज़ीद आगे हम जो जो चीज़ें देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा रिसोर्स हंग्री है, आपका सिस्टम बहुत स्लो होने लगेगा और अगर आपके पास रैम की कमी है या CPU स्लो है आपका तो आई एम सॉरी यार, ये हो सकता है आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, सिस्टम नहीं इलस्ट्रेटर क्रैश कर जाए। हो सकता है कि ये आपको प्रॉपरली कुछ असर ना दिखा रहा हो क्योंकि यार ये है थोड़ा सा हैवी इफेक्ट एंड बहुत सारी मशीन्स पे चल जाता है। अगर आपकी रैम ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज चले कुछ और बना के देखते हैं। मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सही है, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप बनाने का दिल चाह रहा है, राइट। सो मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया और एक एलिप्स लेकर इसके यहाँ सेंटर में मैंने बना लिया, ठीक है। और इन दोनों को मैं पाथफाइंडर से कर लें या सिंपली राइट क्लिक करके कंपाउंड पाथ कर लें। मुझे सिर्फ यहाँ पर बीच में होल चाहिए था
और ये एक तरह की मैं ट्यूब टाइप की बनाना चाह रहा हूँ। सो सिंपली मैंने इसको बना के सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स में गया, 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। अब जैसे ही आप प्रीव्यू ऑन करेंगे आपके सामने ये इस तरह से आ रहा है। मैं इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। प्लस यहाँ से इसकी एक्सट्रूड डेप्थ आप बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा ये लाइट के फीचर्स बाय डिफॉल्ट इस तरह से बंद होते हैं, यहाँ मोर ऑप्शंस करेंगे तो आपको नजर आएगा। एंड यहाँ से आप इसकी एक्सट्रूड डेप्थ बढ़ा सकते हैं। सो मैं इस वक्त 50 पॉइंट्स है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। एंड सी दिस, ये पूरी ट्यूब की तरह से बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, सी मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो होने लगा है, बट दैट्स ओके, इतना बुरा भी नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है। नाउ अब देखिए, मैं इसमें ये लाइट को थोड़ा सा यहाँ सामने की तरफ रख रहा हूँ, एक और लाइट ले रहा हूँ और मैं रख रहा हूँ उसको यहाँ पे। सी दिस, डिफरेंट रिजल्ट आने लगता है, जहाँ आप लाइट उठा कर रखेंगे उस लिहाज से इसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज गौर से देखें कि यहाँ पर कुछ बैंड्स या लाइंस आपको दिखना शुरू हो जाती हैं, और ये आप ब्लेंडिंग स्टेप्स इसके बढ़ा दें तो ये भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। बट अगेन याद रखिएगा ये हैवी है और मैं इसको थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ। एंड सी दिस, ये बहुत स्मूथ सी लाइट हो चुकी है। अच्छा ये जो एज है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्मूथ आए, मतलब ये बहुत शार्प एज आ रहा है, तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं बेवल से। सी दिस, अगर आप बेवल पे जाते हैं, यहाँ पर अगर आप क्लासिक रख दें तो एक बड़ा शैम्फर सा एज आएगा। एंड मैं इसकी लाइट को थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर रहा हूँ ताकि ये नज़र आए। एंड इसको भी थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, उप्स ज़्यादा हो गया थोड़ा सा काम। ओके, अगर आप गौर से देखें तो ये इसके डेप्थ के साथ ही इसने बढ़ाया हुआ है। मैं अगर कम कर दूं इसकी डेप्थ तो अब आप देखेंगे ये एज इसका ज़रा सा डिफरेंट आ रहा है। सो एनीवेज, मैं लाइट को थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ ताकि ये जो शैम्फर है ये नज़र आए। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं आपके पास, बट ये याद रखिएगा कि बहुत अजीब से भी रिजल्ट्स आने लग जाते हैं इसमें। सो ज़रा हल्का हाथ रखिएगा, मैं यूजुअली मुझे ये बहुत पसंद है, राउंडेड एजेस थोड़े से राउंड हो जाते हैं। बट देन अगेन देखें, इसकी ज्योमेट्री वगैरह बहुत बुरी सी आ रही है। बट एनीवेज यार, समझने के लिए आपके लिए अभी इतना इनफ है कि 3D किस तरह से वर्क कर रहा होता है। ठीक है, बट मोस्टली हम इसको इस काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं। वो डेफिनेटली मैं आपको एक और दूसरी इसकी क्लास रखूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हम इसको कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं। बट एनीवेज, चलें कुछ और बनाते हैं। लेट से हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, सही है। सो लेट्स राइट GSXM, और मैं फॉन्ट फ्यूचर बोल्ड ले रहा हूँ। ठीक है, एंड याद रखिएगा कि जब भी आप टेक्स्ट को 3D करना चाहें या जो भी करना चाहें, सो प्लीज़ एक काम किया करें कि इसको क्रिएट आउटलाइन कर लो। ठीक है, एंड उसके बाद जा कर के आप 3D इफेक्ट में लगाओ। सही है, सो मैं एक्सट्रूड एंड बेवल कर रहा हूँ, प्रीव्यू ऑन करें। एंड सी दिस, ये अप्लाई हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और लाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इस एक लाइट मैं ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, इस लाइट की इंटेंसिटी, जो ऊपर वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। सी दिस, इसको ओके करें एंड ये आपका टेक्स्ट रेडी है। बट अगेन यहाँ देखें, एजेस पर कुछ अजीब सी चीज़ें आ रही हैं, ये हो सकता है कि मेरे ग्राफिक कार्ड का मसला हो, आई एम नॉट श्योर ये क्यों आ रहा है, बट ये इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सो डोंट वरी, ये चीज़ें हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, जब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे उसके बाद ये एडजस्ट किया जा सकता है। सो फॉरगेट इट, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ऑलराइट, दूसरा आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, रिवॉल्व। यार ये थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और रिवॉल्व करता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो मैं एक्सट्रूड कर रहा था वो एक 2D ऑब्जेक्ट को पीछे से डेप्थ बढ़ा रहा था। रिवॉल्व ये करता है कि एक साइड को ये राउंड घुमाता है, मतलब 360 डिग्री घुमा के आपको कॉपी बना के देता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सिंपल सी एक चीज़ बनाई लाइक दिस,
है, देखिए मैंने एक से पेन टूल से ही मैंने ये एक शेप बनाया है, और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ना। अब बाहर तो देखने में कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक वाज या गुलदान टाइप की एक चीज दिख रही है। मुझे नहीं खुद पता मैंने क्या बनाया है, लेट्स सी क्या क्या होता है इसके साथ। सिंपली स्ट्रोक पे रखा हुआ मैंने, और एक और काम करें कि स्ट्रोक इसका थोड़ा सा थिक कर लें। मैंने 9 पॉइंट्स कर दिया या 8 पॉइंट्स कर लें, और स्ट्रोक का जो एज है वो मैंने राउंड कर लिया ताकि यहाँ से ये राउंड रहे, एंड यहाँ से भी मैं इसको राउंडेड ही करना चाह रहा हूँ। तो ये करें कि स्ट्रोक को मैंने कॉर्नर्स भी इसके राउंड कर दिए, तो थोड़ा स्मूथ सा बन जाएगा। राइट नाउ इसको सेलेक्ट रखते हुए आप 3D में जाएंगे, रिवॉल्व पे जाएंगे एंड प्रीव्यू। जबरदस्त। सो ये आपके पास रिवॉल्व का ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह का है। अगेन इसमें मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव ऑन कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ पर्सपेक्टिव, एंड यस मेरा सिस्टम भी स्लो हो गया। पर एनीवेज मैं इस लाइट को यहाँ रख रहा हूँ और एक और लाइट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड जस्ट इसके ब्लेंड स्टेप्स भी बढ़ा रहा हूँ मैं ताकि ये जरा सा जो लाइंस आ रही हैं स्मूथ हो जाए। सो दैट्स इट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास को मैं बस इतना ही रख रहा हूँ अभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए इतना, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है हमारा 3D का, और पार्ट 2 में हम 3D में और बड़ी चीज़ें करेंगे। बड़ी चीज़ों से मुराद इसके ऊपर हम आर्ट वर्क किस तरह से लगाएंगे, हम कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ किस तरह से बनाएंगे। सो ये दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टर फॉर यू, और मुझे पता है कि आप लोगों को ज़ाहिर बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ देखने की वो हो रही होती है कि यार जल्द से जल्द कुछ दिखाएं, और मैं क्लासेस का स्पैन अपना थोड़ा सा छोटा करने लगा हूँ। सो या आई होप यहाँ तक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।